हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ऑल्सो हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे अगले 3 घंटा आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट 3 आवर्स। और आई होप कि जो भी हो बहुत अच्छा हो, और आपकी पार्टनर की तरफ से अगर कुछ एक्शन आए ठीक है तो ज़रूर हम देखेंगे आपकी तरफ से क्या चीज़ें हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या चीज़ें हो सकती है। ओके ओके, ये आपका, ये आपके पार्टनर का और ये ओवरऑल सिचुएशन। तो पहले मैं अगर देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप ज्योडिफिकेशन के लिए वेट करोगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो, हाँ, ये ऑल साइन वालों के लिए है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा और एरीज, सजिटेरियस, लियो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो मैरिड हो, डिवोर्स के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आपके हस्बैंड आपको डिवोर्स देने के लिए बोल रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आप चाहते हो आपके पार्टनर डिवोर्स ले ले, या फिर आप डिवोर्स लेके आपके पार्टनर के साथ रहो। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हो रही है। और एक चीज़ मुझे ओवरऑल आपका दिख रहा है, एक चीज़ ओवरऑल मुझे आपका दिख रहा है कि किसी के सामने जाके ज़रूर बोलोगे कि इन्होंने आपके साथ किया क्या है, कितना गलत किया है, और आपको जस्टिस चाहिए। यू वॉन्ट जस्टिस, आप यही वर्ड बोलोगे अगले 3 से 4 घंटे में कि मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ठीक है, कार्ड्स थोड़ा मैं कैमरा पास करती हूँ जैसा आपको कार्ड्स दिखे। और एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जिसके सामने बोलोगे वो इंसान इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा सुनने में, वो इतना अच्छे से सुनेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि मुझे इनका सुनना ही नहीं है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप सोल्यूशन के लिए जिसके पास जाओगे कोई पर्सन आपको सोल्यूशन नहीं देगा। आप दोनों अगर स्पेशली साथ में कहीं कुछ करने का सोच रहे हो तो बेटर है कि दोनों बात करके चीज़ों को जो है मामला को सेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको हेल्प करेगा अगले कुछ घंटों में वो मुझे नहीं दिख रही है। जहाँ तक चलूँ मैं आपके पार्टनर की तरफ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो हो सकता है आर्मी में हो, या फिर कोर्ट में जॉब करते हो, आर्मी वगैरह में हो, पुलिस में हो, डिफेंस में हो, या फिर जो वो करते हैं ना वाटर से रिलेटेड कोई काम हो। ठीक है, जो लोग बहुत जर्नी करते हैं उस रिलेटेड कोई काम हो, ठीक है, वैसा कोई मुझे उनका प्रोफेशन दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में उनका काम के ऊपर बहुत फोकस करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो आपको लेके भी बहुत रिस्पेक्ट देंगे और आपके बारे में भी काफ़ी अच्छा सोचेंगे, क्योंकि वो अपने काम में होंगे बट स्टिल आप उनके दिमाग में होंगे, आप उनके दिमाग में चलते रहोगे, आपकी बातें डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो है चलेगी और वो आपको भूल नहीं पाएंगे। अगर स्पेशली अभी कुछ 1-2 दिन में बात हुआ होगा तो वो बातें उनके दिमाग में ऐसे ही चलता रहेगा, घूमता रहेगा, या फिर अगर ऐसे स्पेशली कुछ गया है, कुछ ओकेजन वगैरह गया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में वो चीज़, वो बातें जो है वो घूमती रहेगी। कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें सोचने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो जाएगा। नो मैटर आप दोनों आसपास ही रहते हो, लेकिन एक डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच में, जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के लिए बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। आप एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, एक दूसरे के लिए आपके दिल में क्या है, शायद आप वो चीज़ बोल ना पाओ, शायद आपको वो चीज़ समय ना मिले बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों जो है अगर कुछ समय, टाइम जो है बीत जाए, उसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो जाएगा। अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट जैसा होता रहेगा, मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे आपने सुना होगा कि आकाश और पाताल का फर्क है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का डिसीजन, बात करने का तरीका, या फिर दोनों का सिचुएशन हैंडल करने का तरीका आकाश और पाताल की तरह बिल्कुल अलग अलग हो सकता है अगले कुछ घंटों में। ठीक है, तो
देखो, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो है इस वक्त मेंटल स्टेट एक जैसा ही है। आप दोनों जो चीज़ चाहते हो दैट इज़ चेंज। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चेंज, तो आप दोनों ही यही चीज़ को चाहते हो कि जो भी कुछ यहाँ पे हम दोनों के बीच में हो रहा है कहाँ से सिचुएशन चेंज हो जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा उदास बैठे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना हम दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो गया है कि शायद हम दोनों जो है फिर कभी सही ना हो पाए, हम दोनों की चीज़ें कभी सही ना हो पाए। तो आप एक बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आपकी कोई पेट हो सकता है, ठीक है, कोई कुत्ता, फिर बिल्ली, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जहाँ पे आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है फिर जॉब चली जाएगी या फिर आप नया जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसा भी आपके साथ सिचुएशन हो रहा होगा। तो हर तरीके का टेंशन, एक काम का टेंशन हो या फिर घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें हो रही है। और आप जिसके पास दुख बोलने जा रहे हो वो सुनता ही नहीं है। आपके पास ले देके एक ही अच्छा दोस्त है जो बहुत ज़्यादा लॉयल है आपके प्रति, जो आपकी बात सुनता है, ठीक है। अभी वो भी बात नहीं कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक इंसान को कितना दुख सुनाओगे। तो आप आई थिंक बहुत कुछ मैनेज कर रहे हो। अब देख रहे हो कि दूसरों की लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है, वो रिलेशनशिप में हो, काम में हो, कोई भी चीज़ में हो, बट मेरी लाइफ व्हाई नॉट, मेरी लाइफ क्यों इतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्यों मैं इतना मतलब मुझे सड़ा हुआ फील हो रहा है, या फिर मैं अपनी लाइफ में क्यों इतना डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ या फिर फेस कर रही हूँ। आई थिंक आप सिर्फ किस्मत को दोष दोगे, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए, मुझे लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं एक्चुअली में। कभी कभी किस्मत का ही ये खेल होता है कि हम कुछ करें ना करें चीज़ें होती है। आपके पार्टनर का अगर मैं देखूँ तो उनका कुछ हो सकता है, लेग पे कुछ चोट लगा है, या फिर लग सकता है उनको बोलना अगर बात हो रही है थोड़ा सावधानी बरत के। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में उनका माइंड उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। वो जैसे आप यहाँ पे जूझ रहे हो ना कुछ चीज़ों में, वैसा उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली चल रहा है जो आपको नहीं पता है। या तो उनकी पॉवर्टी जैसी सिचुएशन चल रहा है, पैसों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कुछ हो सकता है कि उनको चीट किया गया है, उनकी दोस्त वगैरह ने चीट किया है। एक चीज़ मुझे और लग रहा है कि कुछ चीज़ें कुछ लोग उनसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो उनसे इतना जेलस है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, कुछ करे। सो उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में तो थोड़े कम जेलस लोग या फिर थोड़े कम बुरे लोग हैं, लेकिन उनके लाइफ में मुझे ज़्यादातर जेलस लोग, ज़्यादातर बुरे लोग ही दिख रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि उनसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, उनसे उनका बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा है सिचुएशन हैंडल होना, और जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें थोड़ी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा ही मेहनती हो, ठीक है, काम में आप दोनों बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप का देखो तो मुझे बार बार, देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ, नंबर्स क्या निकल के आ रही है। नंबर्स निकल के आ रहे हैं 30, 30 आया है, उसके बाद 32 आया है, उसके बाद 36, 37, 38 एंड 25, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको 333 बहुत दिखता होगा। और मैं रीडिंग क्या कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट जो है 3 आवर की रीडिंग कर रही हूँ। तो आप समझ रहे हो कि यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रही है बिल्कुल परफेक्ट मैसेज। देखो मैं अगले 3 घंटे की रीडिंग कर रही हूँ, 30, 32, या फिर मैंने तो कोई देख के नहीं निकाला है ना, 36, 38, 37 एंड ऑल्सो 25, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अगले 3 घंटे काफ़ी मैजिकल होने वाला है और मिरेकल होने वाला है। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो कि हाँ मेरे लाइफ में ये ज़रूर होगा, मेरे पार्टनर ज़रूर लौट के आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी सोचने में क्या इशू है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। अब हम इस कार्ड को थोड़ा साइड करते हैं, अब हम और एक डेक देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और आपके पार्टनर के, वो आपके पार्टनर का जो है आपको लेके और क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है। कुछ कारणों की वजह से 2 दिन से मेरा रीडिंग ऑफ था, तो जिन लोगों का बुकिंग्स है आपको रीडिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होए, ठीक है।
और जो लोग कंफ्यूज होके आप मुझे पूछते हो कि कहाँ पे रीडिंग्स बुकिंग करनी है, आप इंस्टाग्राम पे इसी चैनल के लिंक से इंस्टाग्राम पे जाओगे या फिर टैरोट रीडर सुभष्मिता करके आप सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। एक ही आईडी है उस नाम से, टैरोट रीडर सुभष्मिता। उसका एक रेड कलर का एक मैंने डीपी लगा रखा है, रेड कलर विथ टैरो, सो आप उसको देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो, बुकिंग्स कर सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर का आपके लिए सोच, डीप कंटेम्प्रेशन एंड यूअर वर्थ ऑफ लव, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, बहुत डीपली ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर ऊपर का सोच मुझे उनका नहीं दिख रहा है, बहुत डीप लेवल का सोच दिख रहा है, दिल से जो सोचना होता है कि हाँ ये इंसान जो है बिल्कुल मैं इस इंसान को डिजर्व करता हूँ या फिर ये इंसान मुझे डिजर्व करता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और तुम प्यार डिजर्व करते हो, आप प्यार के वर्थी हो, आपको वो रोज फ्लावर देना चाहते हैं या फिर आपका वो आपको नेल्स, आपका नेल्स उनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। अगर आप एक स्पेशल फीमेल हो, ब्लैक कलर का नेल पेंट वगैरह लगाते हो, बहुत पसंद होगा। माउंटेन्स उनको बहुत पसंद होगा, वो घूमने के लिए बहुत जाते होंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी चेंज हो गए हैं, उनका थोड़ा सा रवैया चेंज हो गया है, वो थोड़े जैसे होते ना इमोशनल साइड या फिर वो थोड़ा नरम साइड पे आ चुके हैं, या फिर वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़े नरम साइड पे आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इंसान अगर दिखाने की भी कोशिश कर रहा है तो क्यों, क्योंकि उसको आप चाहिए, ठीक है, तो उसको उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी पॉसिबल है मैं वो करूं ताकि वो इंसान मुझे मिले, और उसको बहला फुसला के अपनी लाइफ में लाने का ऐसा कोई गलत मेरा तो मकसद है नहीं, तो मुझे अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए और मुझे अपना प्यार चाहिए, तो वो कैसे भी आए और मेरे लाइफ में आए। तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो डीपली कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान को अपनी लाइफ में कैसे भी करके लेके आना है, और अगर वो नहीं आना चाहते तो उसको मैं इमोशनल करके, मतलब आपको इमोशनल करके लेके आऊँ, समझा के लेके आऊँ, कैसे भी करके लेके आऊँ, लेकिन लेके आऊँ ज़रूर, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपके पार्टनर को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है कि वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, इस चीज़ के लिए उन वो अपने नज़र में भी थोड़ा ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप एक इंसान को बार बार अपने लाइफ में लेके आओगे बट आप उसको स्टेबिलिटी नहीं दोगे, आप उसको रुलाओगे और कुछ समय के बाद आप उसको छोड़ दोगे या फिर उससे दूर हो जाओगे, ये सब चीज़ का फ़ायदा क्या होता है, कुछ भी नहीं, और धीरे धीरे आप ही उस इंसान के नज़र में गिरने लगते हो और आप खुद के नज़र में भी गिरने लग जाते हो, ठीक है। और आप खुद के नज़र में खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हो, आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि नहीं मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, तो मुझे यहाँ पे वही लग रहा है कि वो आपको जो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं उस चीज़ के लिए उनका खुद के नज़र में वो गिर रहे हैं, तो वो खुद की नज़र से अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप आज एक टूटता हुआ तारा देख सकते हो, तो आप देख के एक विश मांग सकते हो, ठीक है, वो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, और विश तो हमेशा जितना हाई हो सके उतना सोच के सराउंडिंग क्रिएट करो अपने इर्द गिर्द, आप देखोगे चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। और मुझे सबसे इजी तरीका लगता है मैनिफेस्टेशन का यही कि मैं बैठ के मेडिटेट नहीं कर पाती हूँ, मेरा कंसंट्रेशन उतना मतलब होता नहीं है, मैं बहुत जल्दी राहु के वजह से मैं फ्लक्चुएट हो जाती हूँ। अब हर रोज़ तो राहु की रेमेडी नहीं कर सकते हैं, तो जब राहु बहुत हाई पे चला जाता है, और आप लोगों का भी अगर कॉन्सेंट्रेट का प्रॉब्लम है, आप लोग अगर बहुत प्रेशर फील होता है कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ, कैसे मेडिटेट करूँ, तो सिंपल है, अगर बैठ रहे हो कुछ सोच रहे हो तो बैठ के सोच लो कि ये होगा आगे, ठीक है, तो आप एक ब्यूटिफुल इमेजिनेशन क्रिएट करो अपने सबकॉन्शियस माइंड में या फिर अपने माइंड में ही आप क्रिएट कर लो, और वही ब्यूटिफुल इमेजिनेशन को आपको जब भी वक्त मिले सोच के हंसो, मुस्कुराओ, खुश हो जाओ, हो जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन पूरा, सिंपल है। मैनिफेस्टेशन को कोई प्रेशर मत लो, सिंपल एक सीन क्रिएट करो, उसको सोचते रहो, मोस्ट ऑफ द टाइम खुश होते रहो, वो हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का जो है अब क्या एक्शन रह सकता है आपको लेके अगले 3 से 4 घंटे के अंदर। पे अटेंशन टू द साइन, कुछ मैसेज वो आपको कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ साइन वो आप
तक भेज सकते हैं, बाकी शायद आपको वो पता ना चले, क्योंकि एक इंसान जब छुपा छुपा के सब करेगा आप थोड़ी कुछ समझ पाओगे। तो आई थिंक उनका हिडन साइन जो है समझने की कोशिश करो, वो वापस आना चाहते हैं। अब ये शायद आप नहीं समझ पाओ क्योंकि ये नॉर्मल है, इंसान अगर हिडन करेगा तो कैसे फिर समझ आएगा, उसको समझ नहीं आएगा। ठीक है, न्यू लव। ओके, देखो कुछ चीज़ें होती है कि भगवान लाइफ में दूसरे इंसान को भी भेजते ही हैं, तो आपकी लाइफ में अगर न्यू लव भगवान भेज रहे हैं तो आप देख लो अगर आपको ये पर्सन से कोई बेहतर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी आपको खुशी खुशी बितानी है और आपकी लाइफ में नया लव आ सकता है। ठीक है, तो भगवान तो भेजेंगे, आप अगर उस चीज़ को बोलो कि नहीं मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं मानना है, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान तो भेजने का भेजेंगे ही आपकी लाइफ में। पैशन, आपके पर्सन आपके प्रति एक पैशन कॉम्पैशन फील कर सकते हैं, दे वॉन्ट टू किस यू, दे वॉन्ट टू हग यू, तो एक पैशनेट कनेक्शन जो वो हमेशा से फील करते आ रहे हैं उसको वो ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे अगले 3 घंटों में, और शायद आप भी उसमें पिघल जाओ या फिर आप जितना भी स्ट्रांग बनो आपको समझ आएगा कि हाँ ये इंसान काफ़ी पैशनेट है मुझको लेके, और कहीं ना कहीं जो है ये आप फील कर पाओगे उस चीज़ को। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको पसंद आई तो काइंडली प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट ज़रूर कीजिए, और एक जो मैसेज हैंड रिटन मैसेज जो है पिक किया था ये है आपके पर्सन की तरफ से, आफ्टर ऑल द प्रॉब्लम आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू माई लव, और सारे प्रॉब्लम के बाद मेरा जो लाइफ है मैं तुम्हारे साथ बताना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ मेरी लव, तो ये मैसेज है उनके तरफ से आपके लिए। इसी के साथ रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ, बाय गाइस।